everyone, it's me Garima and welcome back to my channel that is Garima's Creative Hub. So friends, मैं आज वापस आ चुकी हूँ एक और amazing video को लेके. पर हाँ, जो भी मेरे channel पे नए हैं, please पहले आप मेरे channel को जल्दी से subscribe कर लो और notification bell जरूर press करना, so that आपको मेरे आने वाले videos के सारे updates मिलते रहें. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही क्रिएटिव और मैं आज का वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए क्रिएट करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट पीस जिसको मैं बनाऊंगी कैनवस पे. अब वो कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं होने वाली है, उस पे मैं हाँ ऑफकोर्स पेंटिंग करूंगी बट साथ में मैं आज उस पे डूडलिंग भी करूंगी. आई विल क्रिएट ब्यूटीफुल मंडाला डिजाइन ऑन दैट. सो फ्रेंड्स, जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की इस ब्यूटीफुल क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक कैनवस बोर्ड और इसके ऊपर अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस. और इसके ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी इस लाइन का सेंटर लेके बनाने वाली हूँ सेमी सर्कल. सो फर्स्ट आई विल जस्ट मेजर द सेंटर पॉइंट ऑफ माय बोर्ड. हम जल्दी से इस पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट beautiful mandala and do the doodling in center over here. So we will just create the semicircle over here and this art is, you know guys, really satisfying. आपको बहुत ही मजा आएगा इस आर्ट को क्रिएट करने में. हमने यहाँ पे different sizes के semicircles draw किए हैं. मैंने यहाँ पे कुछ भी measure नहीं किया है, मैं यहाँ पे random semicircles draw कर रही हूँ. कुछ भी मैंने मेजर नहीं किया है यहाँ पे बिकॉज क्रिएटिंग मंडाला, क्रिएटिंग यू नो मेकिंग डूडलिंग, डूइंग डूडलिंग इज ऑल अबाउट योर ओन इमेजिनेशन. उसमें हम कुछ भी एक एग्जैक्ट डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज द क्रिएशन विच आई हैव मेड हियर और अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे फिनिशिंग. उससे पहले जो ये बाहर की साइड है, यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ सनफ्लावर पेटल्स. सो सनफ्लावर पेटल्स बनाने के लिए भी हम सबसे पहले रफ स्केच तैयार कर लेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेजर कि यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटीमीटर गैप है दोनों साइड. सो ओवर हियर आई विल ऑल्सो मेजर 6 सेंटीमीटर सो दैट ऑल पेटल्स शुड बी ऑफ सेम साइज. और मैं जल्दी से यहाँ पे पेटल्स ड्रॉ कर लूंगी. Friends, you know today I am doing doodling but even I am trying doodling first time on the canvas board. So I am also little bit nervous while doing this but I hope the outcome is going to be really beautiful. I am making this semicircle just so that ki mere jo petal ka size hai wo sab jagah pe same rahe. Aur main yahan pe sunflower petals draw karna start kar. इसी सेम तरीके से मैं सारी पेटल्स को जल्दी से ड्रॉ कर लूंगी. गाइज, यू नो अभी तक आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड दिस प्रोसेस ढंग से बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग सो मच व्हाइल डूइंग दिस. मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड यू ऑल्सो ट्राई दिस आर्ट, यू नो दिस इज रियली नाइस. इसको आप स्केच बुक्स में भी कर सकते हैं, डूइंग डूडलिंग ऑन स्केच बुक्स. इट इज अ वेरी गुड, यू नो माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है. और अभी तो हमने प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट भी नहीं किया है. मेरे को तो थोड़ा सा आज नर्वसनेस भी हो रही है कि आई होप ये आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल निकले बिकॉज आई रियली लव क्रिएटिंग मंडालाज एंड डूइंग डूडलिंग. सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट दैट दिस आउटकम इज गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल. अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे ये एक डी सो दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट रैंडम लाइन्स ऑन दिस मंडाला सो दैट सारी लाइन्स हमारी इक्वल डिस्टेंस पे आए. इन पॉइंट से हमें हेल्प मिलती है कि हम सारी लाइन्स इक्वल डिस्टेंस पे बनाएं सो दैट हमारा जो डिज़ाइन है मंडाला में वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल बने. सो आई एम जस्ट गोइंग टू जॉइन ऑल दीज डॉट्स टू दिस. अब हमने अपनी सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और अब मैं इसके ऊपर ड्रॉ करने वाली हूँ ब्यूटीफुल मंडाला डिज़ाइन. सो इसमें आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिज़ाइन यू वांट. सो अब इसमें मैं ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट करना स्टार्ट करती हूँ. सो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ. आप चाहें तो आप पहले एक पेंसिल से रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं बट आई एम ड्रॉइंग डायरेक्टली विद द मार्कर पेन.
डिज़ाइन को ड्रॉ करने से पहले मैं पहले ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर लेती हूँ सारे सेमी सर्कल्स की। आप चाहें तो आप एक्रेलिक ब्लैक एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस ब्लैक मार्कर जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इससे कितनी ज़्यादा नीटनेस आएगी और ये आपके लिए भी बहुत ही ईजी है फॉलो करना। और अब मैं वहाँ पे यहाँ पे वापस से अपना ये पतले वाला मार्कर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे सेंटर में डिजाइन्स क्रिएट करना स्टार्ट करूँगी। आप कोई भी रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपके मन में आता है, कुछ भी सेट डिज़ाइन नहीं है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। इसी सेम डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले अपनी मंडाला की फर्स्ट लेयर को कम्प्लीट करेंगे। सो बेसिकली मैं डिजाइन्स लेयर बाय लेयर बनाने वाली हूँ। यू नो गाइस, दिस प्रोसेस इज सो इंटरेस्टिंग। सीरियसली ये माइंड को इतना ज्यादा काम कर रहा है, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड व्हाइल डूइंग दिस। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और इसको करते टाइम यू नो हम सच में इमेजिन करने लगते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कौन सा डिजाइन बनाना है। आप इसको ट्राई करिए, सीरियसली आपके माइंड में भी जो आप कर रहे हैं ना वो नहीं चल रहा होगा, वो चलेगा कि नेक्स्ट लेयर में मुझे कौन सा डिजाइन बनाना है। दिस प्रोसेस इज रियली ब्यूटिफुल। आप चाहें तो आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं। यू कैन यू नो दिस इज टोटली ओपन, यू कैन टोटली यूज योर ओन इमेजिनेशन। जो भी डिजाइन आपके मन में आता है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमारे मंडाला की थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है और अब इसी सेम तरीके से मैं बनाने वाली हूँ हमारे मंडाला की फोर्थ लेयर। फ्रेंड्स, मुझे तो ये आर्ट पीस अभी से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग गया है और जबकि अभी तो इसमें बहुत ही सारा काम बाकी है, अभी तो प्रोसेस बस स्टार्ट ही हुआ है और बेसिकली ये प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल यू नो डूइंग दिस। एंड आई होप आपको भी ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्रिएशन कैसी लगी। और आज तो मैं ये बहुत ही सिंपल वाला मंडाला आर्ट कर रही हूँ। दीज कैन बी यू नो वेरी इंट्रिकेट डिज़ाइंस जो हम बना सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन विच आई एम मेकिंग फॉर यू ऑल सो दैट आप भी इसको अपने घर पे ट्राई कर सकें। ये हमने बेसिक डिज़ाइन रेडी कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई थिकर मार्कर टू डू मोर डिटेलिंग। अब इस थिक मार्कर से हम और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करेंगे। As you all know how much I love detailing, हर चीज़ में detailing add करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि कोई भी art piece को एक depth मिलती है, एक और oomph factor add होता है। So detailing is very very important in everything. So वही the same हम detailing यहाँ पे भी जितना possible है add on करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो जो पोर्शन बच गया है खाली वहां पे भी मैं बस डिटेलिंग ऐड करती चली जाऊंगी जितना पॉसिबल है। और आप देखिएगा कितने सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी है बिकॉज द डिजाइन इज लुकिंग सो फुल, ये कितना भरा भरा लग रहा है। बट आप देख ही सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगी है। डिजाइन भी मैंने बहुत ही सिंपल रखे हैं कि ये आप सबके लिए बनाना बहुत ही इजी हो। अब हमने हमारा ये मंडाला डिजाइन रेडी कर लिया है, हमारे सनफ्लावर का सेंटर पोर्शन रेडी हो चुका है एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल गाइज। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड प्रोसेस टू ऐड कलर टू दिस ब्यूटिफुल सनफ्लावर। मैंने यहाँ पे एक ही बहुत ही ब्यूटिफुल येलो कलर ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है जिसमें मैंने लाइट येलो में हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है। दिस इज द कलर विच आई एम गोइंग टू यूज फॉर द बेस फॉर दिस सनफ्लावर। सो अब हम जल्दी से सनफ्लावर की पेटल्स को पेंट करना स्टार्ट करते हैं और हम अपने डिजाइन के ऊपर ए4 शीट रखूंगी सो दैट मैं स्पॉइल ना करूँ हमारा
मंडाला आर्ट, और अब इसके ऊपर हम बहुत ही ध्यान से पहले एक बेस कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। वाओ, दिस प्रोसेस इज सो नाइस, दिस कलर इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइस। ये सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कलर। हमें बस केयरफुल रहना है कि हमारा जो नीचे का डिजाइन है वो बिल्कुल भी स्पॉइल ना हो, और हमें बहुत ही ध्यान से इस फ्लावर को कलर करना है। पहले मैं सारे में बेस कलर लगा रही हूँ। सीरियसली फ्रेंड्स, मेरे को तो ये करते टाइम आई एम जस्ट इन लव विद दिस कलर। दिस कलर इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगा नहीं था कि ये कलर इतना ज्यादा प्रिटी लगने वाला है। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम जल्दी जल्दी सारी पेटल्स में कलर कर लेंगे। और अभी मैं ऊपर हमारे पेटल्स की जो सेकेंड लेयर है उसमें मैं कलर नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू कलर इन द फर्स्ट लेयर। गाइस, मेरे को तो लग रहा है हमारा ये आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। दिस पेंटिंग इज लुकिंग सीरियसली वेरी नाइस। और अभी तो ये कंप्लीट हुई भी नहीं है, बट आई कैन स्टिल फील कि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनने वाली है। ये येलो कलर लगाते ही जैसे यू नो मेरे को तो जैसे पेंटिंग में थोड़ी जान आ गई हो, अदरवाइज इट वाज लुकिंग सो मोनोक्रोम। बट आफ्टर अप्लाइंग दिस कलर, इस कलर ने तो सीरियसली इसमें जान ही डाल दी। द सनफ्लावर इज गोइंग टू लुक रियली नाइस। और ये पेंटिंग तो आज मैं कैनवस पे बना रही हूँ, बट आप इसको पेपर पे भी बना सकते हैं। यू कैन मेक ऑन आइवरी शीट मे बी, यू नो, इफ दैट इज कम्फर्टेबल फॉर यू। आप इसको किसी भी बेस पे बना सकते हैं। हमने फर्स्ट लेयर हमारी सनफ्लावर की पेटल्स की कंप्लीट करी है, और अभी से इसी सेम तरीके से मैं नीचे वाली जो पेटल्स हैं हमारी उसमें भी हम सेम तरीके से यही पेंट अप्लाई करने वाले हैं। गाइस, अगर ये मंडाला आर्ट की लाइन पे आपका यहाँ पे कलर लग जाता है बाय मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, हम उसको बाद में ब्लैक मार्कर से दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। सो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फिनिशिंग टचेस हम ऑफ कोर्स बाद में दोबारा देंगे। अभी तो मैं बस यहाँ पे फटाफट से अपनी सारी पेटल्स में एक बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें लाइट और डार्क कलर से थोड़ा शैडो इफेक्ट देंगे सारी पेटल्स में। अब हमने हमारे सनफ्लावर का एक बेस कलर अप्लाई कर लिया है, और अब इसी कलर पे हम इस थोड़ा सा मैं लेने वाली हूँ ब्राउन कलर, और थोड़ा सा मैं लेने वाली हूँ मस्टर्ड कलर, जिस कलर की हेल्प से अब हम इसमें थोड़ा सा शैडो इफेक्ट देंगे। जो जो हमारी ऊपर वाली पेटल्स थी उसकी हम लाइन को डिमार्केट करेंगे, और उसको हम फिर थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं कलर को मर्ज कर दूंगी, सो दैट हमारे जितने भी पेटल्स हैं उनका डिफरेंस पता चले कि कौन सी ऊपर लेयर है और कौन सी नीचे वाली लेयर है। सो इसमें हम देख सकते हैं कैसे एक शैडो इफेक्ट से हर पेटल अलग अलग पता चलनी स्टार्ट हो गई है। हमें बस थोड़ा सा कलर को अप्लाई करना है, और उसको ब्रश और पानी की हेल्प से मर्ज करना स्टार्ट करना है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इससे बहुत ही आसानी से अपनी पेटल्स को एक डिमार्केशन दे सकते हैं। पहले मैं हल्का सा डार्क कलर से आउटलाइन कर रही हूँ, और फिर इसी को मैं मर्ज करना स्टार्ट कर दूंगी। यही सेम प्रोसेस मैं हर पेटल के साथ रिपीट करने वाली हूँ, और पहले मैं डिटेलिंग कर रही हूँ ऊपर वाली लेयर में, बाद में हम नीचे वाली जो हमारी पेटल्स हैं उसमें हम बाद में डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। हमें सारी पेटल्स में यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और बाद में हम लाइट येलो कलर की हेल्प से इसमें हाइलाइट्स भी ऐड करेंगे। तो पहले मैं जल्दी से ये ब्राउन कलर की हेल्प से सारे में ये पेटल्स को एक शेप देना स्टार्ट करती हूँ। हम सारी पेटल्स के साथ यही सेम प्रोसेस में रिपीट कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू विद एनी पेटल, बस यही सेम कलर हमें इसके आउटसाइड अप्लाई करना है, और बाद में मैं उसको अंदर की साइड पे मर्ज कर रही हूँ। अब हमने ऊपर वाली लेयर को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट दे दिया है, और अब पानी की हेल्प से मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको मर्ज कर दूंगी सारे कलर्स को। यही सेम प्रोसेस फॉलो करके अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट येलो कलर लेने वाली हूँ, जिससे मैं यहाँ पे हाईलाइट्स भी दूंगी।
बीच बीच में हम थोड़ा सा लाइट येलो कलर भी अप्लाई करेंगे और साथ में पानी की हेल्प से इसे भी मर्ज करें। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमें बहुत ही कम कम कलर लगाना है। हमने फर्स्ट लेयर में सेटल की पेटल्स की अच्छे से डिटेलिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा लाइट एंड शेडो इफेक्ट मैंने दे दिया है और अब मैं यही सेम प्रोसेस फॉलो करने वाली हूँ हमारे नीचे की लेयर में। उसमें मैं सबसे पहले जो हमारा अंदर का शेप पेटल है इसमें मैं डार्क मस्टर्ड कलर अप्लाई कर रही हूँ विद दिस ब्राउन कलर लिटिल बिट। थोड़ा सा हम यहाँ पे ज्यादा ब्राउन कलर लगाएंगे और अब इसको हम यहाँ पे शेडिंग इस तरीके से हम अंदर वाली पेटल को शेडिंग देंगे। सारी पेटल्स में यही सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं जल्दी से शेडिंग दे दूंगी सो दैट अंदर वाली पेटल्स पे लगे कि वो उसमें थोड़ी डेप्थ है, कि वो पीछे की साइड है। ऐसे आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरीके से लाइट एंड शेडो का इफेक्ट देना, बट दिस इज रियली सिंपल। इसमें मैं कुछ भी मुश्किल नहीं कर रही हूँ, मैं बस डार्क कलर को लेके नीचे की साइड पे थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ और उसको सिर्फ पानी की हेल्प से थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ये कोई भी फॉलो कर सकता है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें कलर बहुत ज़्यादा ब्रश पे अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही कम कम कलर को लेके ही हमें मर्ज करना है। और अब हम लेंगे हल्का सा लाइट येलो कलर। अब लाइट येलो कलर की हेल्प से मैं देने वाली हूँ हाईलाइट्स जहाँ पे भी हमारे को थोड़े हाईलाइट की ज़रूरत है और हम दोनों कलर्स को बहुत ही ध्यान से मर्ज कर देंगे। और मुझे ये सनफ्लावर जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें लाइट और शेडो का इफेक्ट बहुत ही अच्छे से आया है, हर पेटल अलग अलग नज़र आ रही है और इसमें डेप्थ जो आई है फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जितना ज़्यादा हम कलर्स को लेयर्स के तौर पर लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग अच्छी आती है। फ्लैट कलर एक बार में अप्लाई करके उतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा जितना ज़्यादा आप कलर्स में डेप्थ लाने के लिए आप लेयर बाय लेयर के कलर्स को अप्लाई करिए, वो इफेक्ट सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही टेक्निक फॉलो की है, मैंने हर कलर को लेयर बाय लेयर अप्लाई किया है और अब ये सनफ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अब मेरे को करना है बेस कलर, सो उसके लिए मैं वेट करने वाली हूँ एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स सो देट हमारा ये जो पेंट है अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर मैं इसमें अप्लाई करूंगी बेस कलर। सो लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स सो देट हमारा सनफ्लावर का जो कलर है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हमारे सनफ्लावर के कलर्स बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और मैंने अपने यहाँ पे मिक्सिंग पैलेट में लिया है ब्लैक एक्रेलिक कलर, क्योंकि मैं ब्लैक कलर से देने वाली हूँ यहाँ पे बेस कलर। सो जल्दी से हम ब्लैक कलर से बेस कलर को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो आई विल मिक्स लिटिल बिट ऑफ वाटर इन दिस ब्लैक एक्रेलिक और हम जल्दी से इसके ऊपर कलर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इसी सेम तरीके से हम हर जगह पे ये बेस कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस मैं फॉलो करने वाली हूँ, पहले मैं आउटलाइन करूँगी और उसके बाद मैं कलर को फिल कर दूँगी। हमें इस कलर को अप्लाई करते टाइम प्लीज़ फ्रेंड्स बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचानी है, बहुत ही ध्यान ध्यान से हमें कलर अप्लाई करना है। एंड सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट कि मेरा ये फ्लावर बिल्कुल भी ख़राब ना हो इस ब्लैक कलर से। बट गाइज ये ब्लैक कलर बेस लगाते ही फ्लावर कितना ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया है एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटिफुल। और अब रहता है एक लास्ट प्रोसेस, उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ एंटीक ब्रॉन्ज कलर का एक्रेलिक कलर, जिससे मिलेगा एक मेटालिक फिनिश हमारी इस पेंटिंग को। ये हमें बहुत ही कम अप्लाई करना है और मैं सिंपल फ्लैट ब्रश लेने वाली हूँ एंड विदाउट वाटर मैं इस कलर को थोड़ा सा इस ब्रश पे अप्लाई करूंगी और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको एक सिंपल इस तरीके से लगाएंगे सो दैट हमारे बेस में एक हल्का सा मेटालिक फिनिश आ जाए। ये हमें इक्वल नहीं रखना है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम ही रहेगा कलर।
This is basically to give that effect to the painting. बहुत ही कम कलर को अप्लाई करके मैं इसको बहुत ही हल्के हाथों से स्प्रेड कर दूंगी. बेसिकली ये जो मेटालिक इफेक्ट है मैं कैनवस के एजेस पे दे रही हूँ ज्यादा, और सेंटर में हम इसको ब्लैक ही छोड़ दें. और ये अब हमारी कैनवस पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है. ये मंडाला आर्ट जो हमने आज कैनवस पे बनाई है, दिस इज ऑल रेडी. एंड गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल. और इससे ब्रॉन्ज कलर से जो एक मेटालिक इफेक्ट एड हुआ है ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है. Isn't it? आप इसको कहीं पर भी हैंग करिए. Seriously friends, it is looking really nice. आपने देखा ये पेंटिंग कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल बनी है और ये कितनी डिफरेंट है. The sunflower design and the mandala which we have created, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. इसी सेम तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपने घर पे बहुत ही अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं. और ये एक्चुअली बहुत ईजी भी थी, हमने इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है. दिस मंडाला डिजाइन इज रियली सिंपल. मैंने इसमें बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाए थे, बट ऑफकोर्स हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स ऑन द लेटर स्टेजेस. तो फ्रेंड्स आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्रिएशन कैसी लगी, और प्लीज आप भी इसको जरूर रिक्रिएट करिएगा. तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज गर्मास क्रिएटिव हब. बाय.